सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की सुबह है बहुत ज़्यादा ही सुहावनी सी, आप देख सकते हैं मौसम, यार क्लाउडी सा मौसम हो रखा है मेरे यहाँ से। तो अभी यार वेदर करके हम लोग रुक गए हैं क्योंकि हम लोगों ने जाना है हिमाचल की तरफ को। फिर भी अभी जस्ट स्टिल हम वेट कर रहे हैं कि मौसम अगर ठीक हो जाता है तो हम ज़रूर वहाँ पर जाएँगे। सो गाइज, मैं हो चुका हूँ इस समय रेडी अपनी राइडिंग जैकेट पहन के, और चंदन सर सिर्फ थोड़ी देर में आते होंगे, और जस्ट मैं उनके साथ उनकी बाइक पर बैठकर हम लोग जाने वाले हैं। अभी विख्यात सर जो है, एक और सर हैं, एक हमें टोल टैक्स पे मिलेंगे और एक सर हमें मिलेंगे कालका पे, तो अभी उनको पिकअप करते हुए जाएंगे। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं और अपने सफर को शुरू करते हैं। और हमारे चंदन सर आ चुके हैं, पूरे तैयार हो गए हैं सर, तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं और हमारे विख्यात सर यहाँ पर आ चुके हैं अपनी एसडी बाइक के साथ। किसके लिए? उनके लिए ले रखा ना, गोप्रो भी लगा रखा है। गोप्रो पूरी तैयार हो गया है सर, राइड के लिए यार मैं भी जैकेट डालने वाला हूं। हमसे तगड़े राइडर तो सर लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे चंद्रकांत सर आ चुके हैं, बता रहे थे सुबह सुबह निकलते कि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो बूंदाबांदी हो सकती है ऊपर पर। मुझे आप मेरे पीछे देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बारिश नहीं है। यहाँ पे भी स्कूल की बातें शुरू हो गई भाई। सर स्कूल की बात नहीं हुई सर, आप तो अभी डिसाइड कर रहे हैं भाई, यहाँ तक आ चुके हैं हिमाचल में, आके डिसाइड कर रहे हैं जाना कहाँ है। मोहन शक्ति जो टेंपल है नीचे वाला, हेरिटेज वाला। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय धर्मपुर। सो गाइस अभी हम लोग यार एक बीच में, यहाँ पे कौन सी जगह, ये पहाड़ों के बीच में, है कहीं भाई ये बता रहे भी क्या सर? तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? मेरा तो बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। अच्छा नहीं, बाइक तो अच्छी चल रही है आपको। एक्चुअली हमने सोचा था कि ना यार ऊपर बारिश पड़ेगी और मौसम ऐसा ठंडा होता जा रहा है ऊपर की तरफ को ना। ये जाबली वाला रोड है शायद, सर का गोप्रो नहीं चल पा रहा है। चल गया ना। हेलो सर का भी चैनल है रीत जोन करके, उनको सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। जो भी है न्यू चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सर, आप भी बना लो सर अपना चैनल। चंद्रकांत सर का भी आने वाला है, कॉम्बो ऑफर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सब्सक्राइब टू शैंडी सर चैनल एंड सब्सक्राइब टू चंदन सर चैनल। चलो भाई चल पड़े आगे। ओ भाई साहब, बंद करके नहीं करनी है, रुकनी नहीं है। ये पता क्या है, आप भी डबल डिस्क का ध्यान रखो, गर्म होगी ना डिस्क छोड़ देगी, ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन अब दोनों ब्रेक के बंद हो गए, खत्म हो जाएगी। अभी तो मैं इंजन पे रोक स्लो चल रहा हूं, गाड़ी की दिक्कत हो रही है, चलाई थी वहां से पीछे की तरफ जा रहा हूं। पूरा रास्ता सुनसान और व्यू बहुत अच्छा है यहां पे, देखो ये देखो पीछे से आए हम लोग। बस उतराई उतराई चल रही है यहाँ से, उतराई उतराई खेल रहे हैं हम लोग। यहाँ पार्किंग बता रहे हैं ये अच्छा सामने, तो यहाँ सारी पार्किंग यहीं पर है। पहुंच चुके हम लोग लगभग अपने डेस्टिनेशन पर। रिलैक्स कर लो, हमारे चंदन सर ने बहुत अच्छी ड्राइविंग करी आज, और तेल भी हमारा लगभग थोड़ा सा बच गया, लगा दो बस उसको। थोड़ी सी और लंबी ले चलते, अंदर कम होगी, थोड़ा और अंदर ले जाते हैं। अच्छी जगह लाऊंगा, हाँ तो चलो ब्लॉग वालों को अच्छी जगह दिखानी है। मोहन शक्ति करके ये जगह है एक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं 2-2.5 घंटे का सफ़र करके। चरण जी सर, हमने आपको बहुत मिस किया, तो बताइए चरण जी सर को। चरण जी सर आप मिस, यहाँ पे मिसिंग हो रही है आपकी, थोड़े से आपको बहुत मिस किया हमने आपको। मैं नई जगह लेकर आया हूँ इन सबको, देखो अब पता नहीं सर इनका अंदर क्या आके क्या होगा। हाँ सर के कहे उस पर हम आए कहने पर, तो अभी से हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर।
घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह ये। ब्रिंग योर फैमिली हियर, यस आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। और बड़ा शांत सा एरिया है हिमाचल के बीच में ये। आप शांति के साथ, नहीं चलो, जिसको शहरों के शोर शराबा से वो उग चुके हैं वो इस जगह पर आ सकते हैं। सर क्या हुआ था? आप शांति के साथ भी आ सकते हो, शांति के लिए भी आ सकते हो। अच्छा, आज हम आ चुके हैं इस हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत प्लेस पर, शक्ति मोहन पार्क है ये। और ये बहुत खूबसूरत जगह आप मेरे पीछे देख सकते हैं सो कि कितनी प्यारी और कितना ब्यूटीफुल नेचर यहाँ पर है। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और गाइज, हिमाचल जितना सुंदर दिखता है, जितना हिमाचल सुंदर है, उससे ही ज़्यादा यहाँ पर टफ है रहना। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, यू नो, जैसे वो जानवर चराते हैं या फिर लकड़ी लेकर आते हैं, तो आप जानते हैं कि उन्हें इन पहाड़ियों में आपको जो दिख रहे हैं ये ऐसे से पहाड़ियाँ, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो ऐसे से पहाड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे जगहों पर उन्हें जानवरों को चराना पड़ता है एंड उसके बाद लकड़ियाँ बीननी पड़ती हैं, खेती बाड़ी भी वो यहीं पे करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं खेती बाड़ी, देखो यहाँ पर उन्होंने कर रखी है, देखो ये आपको जो सामने ये दिख रहा है सारी ज़मीन, यहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी करी है। और हिमाचल के जो कल्चर है, जो लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो ज़रूर अगर आपको मौका मिले लाइफ में तो आप हिमाचल के अलग अलग जगह को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यार इससे अच्छी सुकून और खूबसूरत जगह मुझे लगता नहीं कि भारत में कहीं भी होगी। ये लोग अंदर की सैर करके आ चुके हैं और हम लोगों ने बाहर वीडियो बना ली बहुत सारी। ओ, इंडियन आर्मी से आ रहे हैं सीधा। वेलकम टू माय ब्लॉग, सबसे पकड़ आई टू माय चैनल। अरे यार आपने डुबो देना मेरे चैनल को, आप कैसे बोल के। बिना मट्टी के चाय मैं पीता नहीं हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो, वाली बात हो गई। आज भी लेंगे तो अभी हम जा रहे हैं यार यहाँ से इस डेस्टिनेशन से नीचे की तरफ को चाय पीने के लिए। और चाय के लिए पता नहीं, मुझे तो जंगल में कहीं दिख नहीं रहा चाय वाला, ये कह रहे चाय की दुकान है। चाय चाय यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चाय मिलती है। कल ही ले नहीं रहे, खाना नहीं देते इधर वाले, काम करा करा के पागल कर दे। टाइम निकल गया, 2023 तक बोलना चाहिए। चलो यार कोई नहीं, ऐसा है अपने असलियत पे आ जाओ, पेड़ पौधे खाने शुरू कर दो। बाइक चंदन से चला के आए सर ने भी इतने मुश्किल से ब्रेक लगा लगा के। पर असली राइडिंग वाली जो वो है ना, राइडर वाली जो ड्राइविंग सबने की है, सेफ ड्राइविंग कहते हैं उसे। सर मैंने भी सेव करी सर, दो तीन बंदे हालांकि गए आगे से कट मार गए, पर फिर भी सर जोश में नहीं आए। आप जोश में आ गए थे? जो बाइक आई थी मैं पता नहीं चंदन सर को एकदम से क्या हो गया, एकदम से आई भूख लग रही है कुछ ना कुछ। टाइगर सर, व्हाइट टाइगर। ओहो, जिसको गवर्नमेंट ढूंढ रही है तो यहाँ है सर, व्हाइट लायन। सो आ गए हम अपने गाड़ियों के पास। ये वाली भी बाइक अच्छी है सर। हमारा यहाँ का डेस्टिनेशन हम लोगों ने कवर कर लिया, घूम लिए, और हमारे बाइकर तैयार हैं, सर भी तैयार हैं। हम आ गए यहाँ पर इस समय ईश्वर स्वीट पे। सो ये रेस्टोरेंट, आओ से बैठो। अपना ही रेस्टोरेंट समझो। तो अभी आ चुके हम लोग फाइनली खाने के लिए, सुबह से निकले पड़े। सो हाथ धो रहे हमारे अभी विख्यात सर। और भाई पानी तो देख लो कितना आ रहा है। अरे भाई पानी दिखा दो बंदो को। ओ भाई बहुत तेज आ रहा है, तो बह जाएंगे। तो यहाँ से अभी वो देख सकते हैं जिस रेस्टोरेंट पे हम खाना खाने के लिए, क्या व्यू है यार यहाँ से। सर टूट पड़ो, शुरुआत करो आप। सो गाइस हम लोगों ने खा लिया अभी खाना, तो अभी जा रहे हैं। तो फाइनली यार आ गया हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा घूमे, खाए पिए और मस्ती की। सो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? आई होप आपने इन्जॉय किया होगा मेरा ये व्लॉग। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्लिक कर दें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको फिर मिलते रहे और आप ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग इन्जॉय करते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय।